हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रिमाज नॉर्थ एंड साउथ किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज और टमाटर के साथ बैगन की बहुत ही सिंपल सब्जी। झटपट से ये रेडी हो जाएगी, तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। बैगन की सब्जी बनाने के लिए मैंने 4 बैगन लिए हैं। इसको अब हम कट कर लेंगे, अच्छे से देख के कट कर लेंगे। कोई बैगन खराब तो नहीं है, खराब होगा तो हम निकाल देंगे। 3 भाग करेंगे हम। मैंने डंठल कट नहीं किया है, आप चाहे तो इसको कट कर ले, जैसी आपकी मर्जी हो। इसी तरीके से देखिए, मैंने बैगन कट कर लिया है और पानी में डाल दिया इसको तुरंत, जिसे ये काला ना पड़े। एक बड़े साइज का मैंने प्याज लिया है, इसको हम कट कर लेंगे। इसी तरीके से आपको कट करना है, बड़ा बड़ा। बहुत ही सिंपल सब्जी है और बहुत ही कम सामान से आप इसे घर पे आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए, प्याज भी कट हो गया है। 3 मैंने टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के, इसको भी अब हम कट कर लेंगे। टमाटर को पहले से ही मैंने साफ कर लिया है, धो लिया अच्छे से। इस तरीके से आप लंबे लंबे हिस्सों में इसको कट करके फिर बीच से कट कर सकते हैं, या आप जैसी आपकी मर्जी उस हिसाब से आप कट कर सकते हैं। टमाटर भी कट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, मिर्ची कट कर लेंगे। मैंने 2 ग्रीन चिली लिया है, आप चाहे तो ज्यादा भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, कैसा आपको टेस्ट में पसंद है। मिर्ची भी कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम चलेंगे सब्जी बनाने के लिए। मैंने पैन रख दिया है गैस पर गर्म होने के लिए। इसमें डाल देंगे हम ऑयल। 3 टीस्पून मैंने ऑयल डाला है इसमें, 3 चम्मच। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें 4 से 5 दाने मेथी के डाल देंगे। हल्का सा ये रोस्ट होने के बाद हम ग्रीन चिली डाल देंगे इसमें। ग्रीन चिली डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे ऑनियन, जो कट करके रखा है हमने। ये सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ग्रीन चिली को और ऑनियन को। हल्का सा हम इसको भून लेंगे, बहुत ज़्यादा आपको भूनने की ज़रूरत नहीं है, इतना बस है, देख सकते हैं आप। टमाटर डाल देंगे अब हम इसमें। टमाटर को भी अब हम थोड़ा सा भून लेंगे एक साथ मिक्स करते हुए। टमाटर में हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, जिससे कि टमाटर हमारा गल जाए। थोड़ा ही डालना है आपको। अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। इसको मिक्स करने के बाद हम इसको क्लोज कर देंगे और थोड़ी देर पकने देंगे। ये देखिए, टमाटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है। टमाटर का स्मेल चला जाए तब तक आपको इसको पकाना है, भूनना है। 1 टीस्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब इसको भी हम भून लेंगे थोड़ी देर इसी तरीके से, जिससे कि इसका कच्चापन भी निकल जाए। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। 1 चम्मच धनिया डाला है मैंने, 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया है, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है, 1/2 चम्मच मैंने डाला है हल्दी पाउडर। ये सभी चीज़ों को अब हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसको ऐसे ही मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे अब हम इसमें, 2-3 चम्मच, और मसालों को हम एक साथ मिक्स करते हुए भून लेंगे थोड़ा सा। मसालों को भूनने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, अब बैगन ऐड करेंगे। ये देखिए, बैगन पहले से ही कट करके रखा था, वो इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको भी साथ में। आप चाहे तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ बैगन की सब्जी बनाई है। अब हम क्या करेंगे, ढक्कन को बंद कर देंगे और 10 मिनट के लिए ऐसे ही इसको पकने देंगे, बीच बीच में चला लेंगे। ये देखिए, बैगन थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। इस टाइम पे हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दें आप इसको। क्लोज कर देंगे हम इसको और पकने देंगे। ये देखिए, बैगन थोड़ा और सॉफ्ट हो गया है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, थोड़ी सी हमको गीली सब्जी चाहिए,
आप चाहे तो इसको सूखा भी इसको भून सकते हैं, लेकिन मुझको थोड़ा गीला चाहिए इसलिए पानी ऐड कर दिया है मैंने। क्लोज कर देंगे और थोड़ी देर ऐसे ही इसको पकने देंगे। ये देखिए गर्मा गर्म बैंगन अच्छे से पक चुके हैं, सब्जी हमारी पूरी रेडी हो चुकी है। इस टाइम पे हम इसमें धनिया डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम चलेंगे इसको सर्व करने के लिए, क्योंकि सब्जी हमारी परफेक्ट बन के रेडी है। ये देखिए गर्मा गर्म सब्जी हमारी रेडी है। आप इसको रोटी पराठे के साथ, राइस के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही सिंपल सब्जी है। आप इस तरीके से बना के देखिएगा और कमेंट करके मुझको बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।